हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। उससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं बाय फार। बाय फार एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है बहुत अधिक या उच्च कोटि का। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देख लीजिए कि बाय फार के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम बहुत अधिक के सेंस में यूज करते हैं। जैसे बहुत प्यारा, बहुत अधिक प्यारा, जैसे क्यूटेस्ट, बहुत अधिक अच्छा, जैसे बेस्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं तब और अधिक समझ में आएगा। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, जैसे तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, इसको सेंटेंस बना के बोलेंगे यू आर बाय फार द क्यूटेस्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे देख लीजिए बाय फार के बाद हमने दा प्रयोग किया है, दा के बाद क्यूटेस्ट है। यहाँ पे क्यूटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके पहले हमने दा का प्रयोग किया है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज़ करना कंपलसरी होता है। तो इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने क्या, दा का प्रयोग किया है। और ये भी है कि बाय फार के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, जो मैंने हमने पहले बता दिया, तो उसी के अनुसार हम सेंटेंस बनाए हैं यू आर बाय फार द क्यूटेस्ट चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए अगला बनाकर देखते हैं, अगला सेंटेंस। अगला है आपका रोहन स्कूल का बहुत अधिक अच्छा बच्चा था, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रोहन वाज बाय फार, मतलब उच्च कोटि का, बहुत अधिक, बाय फार द बेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, उसके पहले दा का प्रयोग हुआ है, बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।